नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रथम श्रेणी में खाता भर्ती में एक नए विद्वान रिचर्ड हार्टशोन पर बात करने वाले हैं, एक तीसरे अमेरिकन विद्वान जिस पे हमारी चर्चा हो रही है। आज शेफर के साथ विवाद में रहे और दिल्ली स्वर्ण पदक से भी नवाजे गए राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए रिचर्ड हार्टशोन, जिनका कार्यक्रम जो 1899 से 1992 तक रहा, 1970 में जाकर लगभग सेवानिवृत्त हुए और भूगोल में दो प्रमुख पुस्तकें द नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड द प्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो इन्होंने प्रकाशित की। शेफर के साथ विवाद लंबा चला, उस पर काफी लेख भी प्रकाशित किए, अध्ययन पत्र भी प्रकाशित किए, बाद में अपनी दूसरी पुस्तक में व्याख्या सहित उनको एक्सप्लेन किया रिचर्ड हार्टशोन ने, उन पर बात करेंगे आज। तो रिचर्ड हार्टशोन जो कि एक अमेरिकन विद्वान है, पहले भाई हम जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, तो हार्टशोन पर बात करते हैं आज। चलिए, रिचर्ड हार्टशोन का जन्म जो है वो 1899 में हुआ, सन 1899 में मिशिगन में, जन्म सन 1899 में मिशिगन राज्य के किटानिंग शहर में हुआ, मिशिगन राज्य के किटानिंग शहर में जन्म हुआ रिचर्ड हार्टशोन का। और इसके बाद में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी की। तो शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि ली रिचर्ड हार्टशोन ने। 1925 में अमेरिकी भूगोलवेता संघ के साथ कार्य किया, 1925 में अमेरिकी भूगोलवेता संघ के साथ कार्य किया। और प्रमुख बात क्या रही इस समय, इस समय ये ईसा बोमेन और कार्ल सावर के संपर्क में रही। हम कार्ल सावर पर बात कर चुके हैं, तो यहां दो विद्वानों के संपर्क में रहे। तो 1899 में मिशिगन राज्य के किटानिंग शहर में जन्म हुआ, शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की और 1925 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के साथ जुड़े और ईसा बोमेन और कार्ल सावर के साथ भी संपर्क में रहे। कौन? रिचर्ड हार्टशोन। इसके बाद में पहली नियुक्ति 1924 में मिनिसोटा विश्वविद्यालय में हुई, मिनिसोटा यूनिवर्सिटी में प्रथम नियुक्ति हुई रिचर्ड हार्टशोन की, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, यहां इन्होंने 1940 तक कार्य किया, 1940 तक कार्य किया रिचर्ड हार्टशोन ने मिनिसोटा विश्वविद्यालय में। इसके बाद में जो है 1940 के बाद में ये विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय चले गए। और 1970 में जब तक सेवानिवृत्त हुए वहीं तक रहे, वहीं रहे, वहीं कार्य किया। 1960 में इन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर चुना गया, 1960 में राष्ट्रीय प्रोफेसर चुना गया और दिल्ली स्वर्ण पदक से, अमेरिकन भूगोलवेत्ता संघ के दिल्ली स्वर्ण पदक से भी सम्मानित हुआ रिचर्ड हार्टशोन। और एक प्रमुख जो है, इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय भूगोलवेत्ता संघ है, अंतरराष्ट्रीय भूगोलवेत्ता संघ में विधि तंत्रात्मक जो विभाग है, विधि तंत्रात्मक विभाग जो है
उसके अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। तो कुछ ये उपलब्धियां रही रिचर्ड हार्शमैन की जिंदगी की कि 1940 से लेकर 70 तक विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में, 24 में मिनिसोटा में, 40 तक मिनिसोटा विश्वविद्यालय में रहे, 60 में राष्ट्रीय प्रोफेसर चयनित हुए, दिल्ली स्वर्ण पदक से नवाजे गए और अंतरराष्ट्रीय भूगोलवेत्ता संघ में विधि तंत्रात्मक जो विभाग है उसके अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे रिचर्ड हार्शमैन। इसके बाद में इन्होंने भूगोल के लिए एक अच्छी परिभाषा दी। ये कहते हैं कि भूगोल का जो उद्देश्य है वो उसके परिवर्तनों और उसके विधि तंत्र की व्याख्या करना है। और द्वैतवाद के विरोधी रहे रिचर्ड हार्शमैन, इस पर भी चर्चा करेंगे कि उनका भूगोल में किन किन विचारधारा पर क्या क्या कार्य किया। सबसे पहले हम हार्शमैन की जो है प्रमुख पुस्तकों पर बात करते हैं। हार्शमैन ने दो पुस्तकों पर कार्य किया, पुस्तकें जो है वो दो लिखी। पहली पुस्तक लिखी द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जबकि दूसरी पुस्तक लिखी द प्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। पहले तो ये दो पुस्तकें हार्शमैन ने अपने जीवन काल में लिखी। पहली पुस्तक 1939 में प्रकाशित हुई, जबकि दूसरी पुस्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित हुई। कुल पुस्तकों के साथ 50 लेख भी प्रकाशित किए रिचर्ड हार्शमैन ने, 50 लेख भी प्रकाशित किए रिचर्ड हार्शमैन ने अपनी कुल दो पुस्तकों के साथ। इसके बाद में एक अच्छे विवाद के लिए रहे इन दोनों पुस्तकों के बीच। सन 1953 में शेफर के साथ इनका विवाद शुरू हुआ। हुआ क्या, 1953 में शेफर ने एक लेख लिखा एक्सपेक्टेशन इन ज्योग्राफी, भूगोल में अनूठापन, जिनमें उन्होंने द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में जो बातें हार्शमैन ने कही उसका विरोध किया। तो लेख का नाम था भूगोल में अनूठापन। यहां से इनका विवाद होना शुरू हुआ शेफर के साथ। 1953 में इसके साथ शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 1939 में जो पुस्तक लिखी हार्शमैन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसमें क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना का विरोध करना शुरू किया। किसने, शेफर ने। तो क्षेत्रीय संकल्पना वाले बिंदु पर इनका विवाद शुरू हुआ। क्षेत्रीय संकल्पना के साथ इनका विवाद जो है वो शुरू हुआ। इसके बाद में 1954 में जाकर हार्शमैन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फिर 1954 और 1955 में उन्होंने अपने दो लेख लिखे। इसी पुस्तक में, जिस पुस्तक में हार्शमैन का लेख प्रकाशित हुआ, उसी पुस्तक में शेफर का लेख भी छपा। तो इसके बाद में क्या हुआ, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ की जो पुस्तक है वो, उसमें इन्होंने अपना लेख लिखा। उसके बाद में 1959 में हार्शमैन ने इस पूरे विवाद को पुनः से प्रकाशित किया और एक नई पुस्तक में द प्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी में वो सारी बातों को दोबारा से एक्सप्लेन किया। आप एक अच्छी बात देखेंगे, कोई रेयर ही ऐसा भूगोलवेत्ता होगा जिसने अपनी पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक को विरोध में लिखा होगा, यानी इन दोनों पुस्तकों की बातें बिल्कुल अपने ही विरोध में है। तो शेफर के साथ विवाद में रहा हार्शमैन। दो किताबें बहुत बार पूछी गई हैं, ये किताबें किसकी हैं, तो रिचर्ड हार्शमैन की दोनों पुस्तकें हैं। इसके बाद में हार्शमैन जो है एक और कार्य के लिए भी फेमस रहे। इन्होंने भूगोल के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें दी भूगोल विषय के लिए, कि भूगोल क्या है और भूगोल का उद्देश्य क्या है और इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इन तीन बातों पर इन्होंने यह भी कहा कि भूगोल करके देखा जाना चाहिए, ऐसे नहीं है कि भूगोल को सिर्फ समझाया जा सकता है, उसको करके भी दिखाया जा सकता है।
ये भी हार्टसन की एक प्रमुख बात रही, इस पर भी बात देखेंगे ये क्या है, उस पर भी क्या रहा, इस पर भी बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या कुछ प्रमुख रहा। तो रिचर्ड हार्टसन किन किन संकल्पनाओं पर बात करता है भूगोल में, संकल्पनाओं कौन कौन सी संकल्पना हार्टसन ने प्रकाशित की और किन किन में इनका योगदान रहा। पहली संकल्पना थी भूतल की संकल्पना, पहली संकल्पना थी भूतल की संकल्पना। दूसरी है क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना, क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना। तीसरी संकल्पना रही भूदृश्य की संकल्पना, इसके बाद में संभववाद और अंत में रहा द्वैतवाद। और द्वैतवाद के हमेशा हार्टसन क्या रहे हैं, विरोधी रहे हैं। वो कहते हैं कि मानव को और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। तो भूतल की संकल्पना, ये सब चीजें, तो ये कहते हैं कि भूगोल की एक परिभाषा इन्होंने दी है। ये कहते हैं कि भूगोल एक जगह से दूसरी जगह के क्षेत्रीय भिन्नताओं की व्याख्या का वर्णन करता है, कि एक स्थान की अपनी विशेषताएं हैं, दूसरे स्थान की अपनी विशेषताएं हैं। तो पहले भूतल की संकल्पना में तीन मंडलों पर बात की इन्होंने, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना में हार्टसन ने यह कहा कि भूगोल मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी के एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र के साथ, तो भूगोल को क्या कहते हैं क्षेत्रीय विभेदन में, ये कि एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र के साथ क्षेत्रीय भिन्नताओं की व्याख्या करता है। क्षेत्रीय भिन्नताओं की व्याख्या करता है भूगोल, यह बात कही हार्टसन ने। इसके बाद में भूदृश्य शब्दावली के लिए लैंडशाफ्ट और लैंडस्केप संकल्पना को सही माना। लैंडशाफ्ट और लैंडस्केप संकल्पना को सही माना हार्टसन ने। समूहवाद के समर्थक थे और मानव की क्रियाओं को हमेशा प्रमुख मानते थे, कि मानव जो है वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, मानव प्रकृति परिवर्तन कर सकता है। चलिए ये जो था प्रमुख बिंदु थे रिचर्ड हार्टसन के, और उन्होंने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या पुस्तकें लिखी, शेफर के साथ विवाद क्या रहा, इन सब पर हमने बात की है। अगली कक्षा में किसी और विद्वान पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी।